लोकसभा में जाके आज हरियाणा की हर बहन बेटी की, हर किसान की, हर युवा वर्ग की आवाज उठाने को काम करे, तो मैं कहूँ की जब को भी आज यहाँ आपने आप जीतने इलेक्शन होना हुआ है, तो जितना भी मेरे बुजुर्ग बैठे आते हैं, जितना भी नौजवान बच्चे खड़े हैं, जितनी भी माता और बहन है, मैं कहूँगी थारा जितना भी रिश्तेदार जींद में है, तो थे एक काम मेरे कहना कर दो कि जींद का जब वो इलेक्शन है आपको झंडो डंडो तो गाड़ दियो, जींद को इलेक्शन होके वाले जिता दो, क्योंकि ये आपका वो इलेक्शन जीत गया तो मैं को एक नेलो नेलो को नहीं आपको, तो बीजेपी और कांग्रेस की चोटी पे भी पूरा पसीनो ले आता है आपका, वो बात हो रहा है, तो ओके मेरे को यहाँ काम करो, और जितना भी एक दूसरे का जानकार है अब घर बैठने को टाइम को नहीं, आज आपको बाय इलेक्शन है, थोड़े से दिन आप अपना लोकसभा का इलेक्शन आ जाएगा और लोकसभा के सगे सगे अपना विधानसभा का इलेक्शन आ जाएगा, तो 5-6 महीना को जब टाइम है तो मैं सारे जितना भी मेरा पिता तुल्य बुजुर्ग गाइड है, बड़ा भी रहे छोटा बच्चा बहुत अच्छी तरह मान रहे, तो मैं बड़ा कहूँगी कि जीत वाले इलेक्शन में आपके छोटे बच्चा की ड्यूटी लगाओ, और बच्चा ने मैं आप बात कह के जाऊंगी नौजवान बच्चा है कि ये बड़े बुजुर्ग थारी गाड़ी में बिठा के ये जींद ले जान को काम करो, क्योंकि सर्दी को मौसम है और आज इतनी सर्दी पड़े आप बड़े बुजुर्ग खातिर बहुत खतरनाक हो है, तो थोड़ा सो बड़े बुजुर्ग को जरूर ध्यान रखियो सर्दी में, और बाद में किसाना की करा तो आज के दिन सारों ज्यादा दुख की मैं कहूँगी यह तो गाय भी होने लग रही है और या फिर नारी ही होने लग रही है, और तीसरी जगह में दुर्गति देखिए सारों ज्यादा दुर्गति जगह बाकी सराहना की है मेरे भाइयों की, आज खाद नकली बीज नकली और तो और आज मानो जो किसान है वो बिल्कुल कर्ज दबे पड़े हैं, हर किसान चाहे कोई बिल्कुल ज्यादा जमीन है तो भी कर्ज ले रखी है, जिनकी थोड़ी जमीन है तो भी कर्ज ले रखी है, तो मैं कह रहा हूँ एक बात करूँ कि जब भी जनता जननायक पार्टी की सरकार के बना हुआ 2019 में पहली कलम हो, मैं कह रहा हूँ बहुत लुगाई है, मैं बहुत बड़े वकील पढ़ूंगी अब अगर आ गए 2019 में सारी जगह अंदर की जगह एक एक लुगाई की अंदर की जगह तकलीफ है नहीं, मैं भी माँ हूँ ये भी सारी माँ हूँ, मैंने एक एक लुगाई के अंदर वो पता है कि औरत की जितनी तकलीफ है बाकी इतनी मतलब बड़ी तकलीफ है, बा बोल के किने भी फोन के इसके बाद किया महीने महीने घर चलावे किया बा बच्चा पढ़ावे, औरत घर भी चलावे बच्चा ने भी पढ़ावे आदमी बात कमा के लेवे पर मन लागे बराबर वो काम आदमी ने बराबर आज के दिन अगर मैं देखा तो पढ़ी लिखी छोरियां बराबर आदमी ने कंधों के दो मिला के चल रहा है, 10वीं 11वीं और 12वीं में पढ़े यदि कोई मेडिकल लाइन लेना चाहे यदि कोई इंजीनियर बनना चाहे यदि लड़कियां नौकरी करना चाहे बस सारा वो काम मेरे कराने का काम है मैं करवा दूंगी, चलो ये देखो ये आपने 10वीं 11वीं और 12वीं की बच्ची है, मैं कहूंगी कि मां बच्चियां की फीस आधी करो ताकि माँ बाप पर बच्चियां बोझ ना रहे, जबकि बच्ची डॉक्टरी की लाइन में जाना चाहे जबकि बच्ची इंजीनियर करना चाहे बाकी ज्यादा ज्यादा फीस माफ होनी चाहिए, कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता जननायक को दुष्यंत ने के बनाऊंगा तो पहली कलम जितना मेरे बुजुर्ग और नौजवान बच्चा भी खड़े है मैं पहली कलम थारों का जो माफ करा वो काम करा आपका फिर ही जिम्मेदारी जान जाएगा, और मैं कहूंगी सारा जितना भी आ जाते हैं जनसभा में आए हैं चौपाल में आए हैं मैं कहूंगी कि वो जिया रामायण में राम सेतु वानर सेना राम सेतु बनाने को काम करो कि वो राम सेतु बनाने को पुरुष काम करो संगठन ने मजबूत करो एक वो एक आदमी ने जोड़ो मैं तो लुगाइया सारी मिली वो गिलहरी और काम करते हैं लगी जब वो छोटा खड्डा रह गया मैं डोर टू डोर फिर भी बन में भरण को काम कराना।